देव राइट वे एजुकेशन स्टूडेंट माई सेल्फ शुभम जैन एंड आई एम गोइंग टू टीच यू बायोलॉजी। सो स्टूडेंट आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लांट किंगडम। दिस इज पार्ट सेकंड। अगर आप पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मेनली डिस्कस अबाउट थैलोफाइटा लाइक क्लासिफिकेशन और एल्गी क्लासिफिकेशन। तो थैलोफाइटा को अपन तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइसी विच इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गा, सेकंड वन इज फ्यूफाइसी विच इज आल्सो कॉल्ड ब्राउन एल्गी, एंड लास्ट वन इज रोडोफाइसी विच इज कॉल्ड रेड एल्गा। सबसे पहले अपन एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किस थ्रू होता है, वो होता है फ्रेगमेंटेशन थ्रू। फ्रेगमेंटेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट एंड प्रोड्यूस ए न्यू एडल्ट। सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर, जो जूस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं दैट कैन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन्स। थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और गैमस, ठीक है। जो इन दिनों के बारे में अपन जो पार्ट फर्स्ट है उस बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पार्ट फर्स्ट को जाकर देख सकते हैं इन चीज़ के लिए। इसके जो क्लोरोफाइसी की जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरोमोनास, बॉलबॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। क्लोरोफाइसी के अदर फीचर्स होते हैं और कौन कौन से फीचर हैं। फर्स्ट वन इज मोर्फोलॉजी, जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं उनकी मोर्फोलॉजी कैसे हो सकती है, वो फ्लैजिलेट हो सकते हैं या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं, ठीक है। उनमें फ्लैजिला भी पाए जा सकते हैं और उनमें क्या फिलामेंट्स भी पाए जा सकते हैं। सेकंड वन इज फ्लैजिला, अगर उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं तो वो कैसे होंगे, स्मूथ होंगे, ठीक है। थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट विद टू मेंबर्स, जो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो कैसा होता है, उसमें टू मेंब्रेन्स पाए जाते हैं, आउटर और इनर मेंब्रेन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, जो क्लोरोप्लास्ट उसमें पिगमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। स्टोरेज की बात करें जो क्लोरोफाइसी जो मेंबर्स है उसमें स्टोरेज प्रोडक्ट वो क्या होता है, स्टार्च होता है। अब एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल कौन कौन से होते हैं ग्रीन एल्गी के, फर्स्ट वन इज क्लेडोमोनास, बॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, फ्रिसेला, वोल्वा और हाइड्रोडिटोन। ये किसके एग्जांपल है, क्लोरोफाइसी के या फिर ग्रीन एल्गी के। सेकंड वन इज फ्यूफाइटा या फिर ब्राउन एल्गी भी बोल सकते हैं इसको। अच्छे कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, जब मेजोरिटी आर लाइव इन मैरीन एनवायरनमेंट्स ऑन रॉक्स इन कूल वाटर, ठीक है। जो फ्यूफाइटा या ब्राउन एल्गी के जो मेंबर्स हैं वो स्पेशली कहाँ पे पाते हैं, मैरीन एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। दे कंटेन क्लोरोफिल एज वेल एज येलो ब्राउन कैरोटीनॉइड्स कॉल्ड ब्यूकोजेंथिन, ठीक है। जो ब्राउन एल्गी के जो मेंबर हैं उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और क्या भी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, फ्यूकोजेंथिन बोल सकते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी आर कैल्प, जो कैल्प होते हैं वो क्या एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी का है और ये सबसे लार्जेस्ट एग्जाम्पल है। द कैल्प यूज होल्ड फास्ट टू अट्रैक्ट द रॉक्स, जो कैल्प्स होते हैं वो होल्ड फास्ट पाया जाता है और होल्ड फास्ट जो फंक्शन क्या होता है उसको क्या है, जो कैल्प होती है उसको जो रॉक्स होती है उसमें क्या अटैच करके रखा है। द बॉडी ऑफ ए कैल्प इज कॉल्ड थैलस, तो कैल्प की जो बॉडी है उसको अपन क्या बोलेंगे, थैलस बोलते हैं, क्योंकि ये किसके मेंबर हैं सारे, थैलोफाइटा के, तो अपन इसको थैलस बोलेंगे। जो थैलस होता है उसको उसमें ना तो कोई लीव्स ना तो स्टेम होता है, रूट्स होती है, ठीक है। विच कैन ग्रो एज लॉन्ग एज, जो कैल्प की जो हाइट है वो कितनी हो सकती है, 180 फीट या 60 सेंटीमीटर हो सकती है। थैलस इज कंपोज ऑफ थ्री सेक्शंस, द होल्ड फास्ट, द स्टेप एंड द ब्लेंड, जो थैलस के वो तीन पार्ट सकते हैं, फर्स्ट वन इज होल्ड फास्ट, सेकंड वन इज स्टाइप और थर्ड वन इज ब्लेंड। सम स्पीसीज हैव एयर ब्लेडर टू कीप द थैलस फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ वाटर, जो फ्यूफाइटा के जो कुछ मेंबर हैं उनमें क्या एयर ब्लेडर पाया जाता है। एयर ब्लेडर का जो फंक्शन होता है वो क्या है, वो क्या उसको फ्लोटिंग मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, इससे क्या है जो वाटर के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म वो क्या फ्लोट कर सकें, ठीक है। स्टोर देयर फूड एज लेमिनेरियन, जो ब्राउन एल्गी में जो स्टोरेज फूड है वो क्या होता है, लेमिनेरियन स्टार्च होता है। जो रोडोफाइसी जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स है उसमें क्या होता है, ओनली स्टार्च होता है, लेकिन जो ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं उनमें क्या होता है, लेमिनेरियन स्टार्च होता है। रिप्रोडक्शन इज ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है वो कौन सा हो सकता है, अंडरगो बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ब्राउन एल्गी के जो मेंबर्स में सेक्सुअल और एसेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेवरल अदर ब्राउन एल्गी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या फ्रेगमेंट हो जाते हैं, जिसकी एग्जांपल दिया गया है सारेगामा।
क्या देखो ये सारे फ्रैगमेंट दिए हुए हैं, तो इनमें से जो ईच फ्रैगमेंट है वो एक न्यू सार्गासम में क्या डेवलप हो जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं, बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ फिफासी। तो हम जो मेनली जो अपन जो टारगेट वो क्या रहेगा एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल रहेंगे, तो उनको अपन पहले इंडिकेट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टोटो और सार्गासम। ये जो चार एग्जाम्पल है वो क्या अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो कोई याद रखना अपन को, बाकी जो एग्जाम्पल है वो याद भी रख सकते हैं और उनको रिव्यू भी कर सकते हैं। वन इज रेड एल्गा या फिर रोडोफाइसी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कंटेंट पिगमेंट्स, इसमें जो कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन, ठीक है। अब इसमें क्या फाइकोबिलिन होता है वो क्या फाइकोबिलिन होता है क्या रेड कलर का होता है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो रेड एल्गी है वो क्या सबसे डेवलप एल्गी है, ठीक है। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो क्या सेक्सुअली टाइप का पाया जाता है। रोल एंड फंक्शन, डिपर्सी ग्रेट एड हार्वेस्टिंग लाइट हेल्प फ्रॉम कोरल रीफ्स। जो कोरल रीफ उसमें मेनली क्या होता है रेड एल्गी होता है। सम यूज्ड इन फूड एप टू मेक अगार, जो अगार अगार होता है जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज किया जाता है, वो किससे प्राप्त किया जाता है मेनली वो रेड एल्गी से अपने को प्राप्त होता है। वाई आर रेड एल्गी आर रेड, जो रेड एल्गी होती है उनको रेड वो उनका जो कलर है वो रेड क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। एसेसरी पिगमेंट, जो उसका रीजन वो क्या होता है, उसमें क्या है जो रेड एल्गी होती है उसमें क्या है एसेसरी पिगमेंट पाए जाते हैं, और जो वो एसेसरी पिगमेंट है वो कौन सा होता है, वो होता है फाइकोबिलिन। अब ये कैसे इसको मास्क करता है, फाइकोबिलिन मास्क द क्लोरोफिल ए थस दे लुक रेड। तो फाइकोबिलिन होता है जो उसमें रेड एल्गी में दो पिगमेंट पाए जाते हैं, फाइकोबिलिन और क्लोरोफिल ए। लेकिन जो फाइकोबिलिन होता है वो डोमिनेंट होता है, इसलिए वो क्या क्लोरोफिल ए के जो इफेक्ट उसको क्या है मास्क कर देता है, इसलिए जो मेनली जो कलर होता है वो कौन सा होता है रेड कलर का होता है। ड्यू टू दीज नेसेसरी पिगमेंट रेड एल्गी कैन फोटोसिंथेसाइज इन डीपर वाटर, जो इन पिगमेंट की वजह से वो क्या जो रेड एल्गी वो अंडर वाटर भी क्या फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। क्लोरोफाइटा और इसके और फीचर्स कौन हो सकते हैं, फर्स्ट वन यूकैरियोटिक होती है, पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी एंड फाइकोएरिथिन, गुड स्टोरेज आयोडीन नेगेटिव स्टार्च, लोजिक सेल वाल पाती है, नो फ्लेजलेट सेल, ठीक है। फ्लेजलेट सेल किसमें पाई जाती है, ओनली क्लोरोफाइसी या फिर ग्रेन एल्गी में। मेनली मेनी मेराइन स्पीसीज ऑफन यूज एड किनर्स ड्यू टू देयर हाईली म्यूसिलेजनस नेचर, अगार अगार और केराजिन, ठीक है। जो रेड एल्गी उसका यूज किस में भी किया जा सकता है, अगार बनाने में जो कि जेल इलेक्ट्रो प्रोसेस में यूज किया जाता है, और केराजिन बनाने में भी इसका यूज किया जा सकता है जो कि क्या म्यूसिलेजनस होते हैं। रोडोफाइट सी के क्या एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज पोरफायरा, जेलिडियम, सिरेमिनियम, डिसेलेरिया और चैम्पेनिया, तो ये इसके क्या एग्जांपल है। अब इसके बारे में एक बार अपन डिफरेंस कर लेते हैं, तीनों के बारे में समराइज कर लेते हैं, मतलब ठीक है रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेड एल्गी के बारे में, ठीक है। तो रेड एल्गीज मेराइन वाटर में पाई जाती है, ओनली ए फ्यू आर यूनिसेलुलर, जो इसमें जो कुछ मेंबर हैं वही यूनिसेलुलर है। थैलिकॉड अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, जो थैलिकॉड होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं ना, ओनली क्लोरोफिल ए प्रेजेंट, इसमें क्या मेनली क्लोरोफिल ए ही पाया जाता है। फ्यूकोजेन पाया जाता है, फाइकोबिलिन पाया जाता है, रिजर्व फूड क्या फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, और मोर्टल स्टेज आर नॉट ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये रेड एल्गी होगी। उसके बाद ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी क्या मेलाइन फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। यूनिसेलुलर फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें क्या यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं पाया जाता, मतलब ओनली क्या मल्टीसेलुलर होते हैं। अकर्स इन ग्रुप ऑफ थ्री, मतलब तीन तीन के ग्रुप में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट पाया जाता है, फ्यूकोजेन पाया जाता है,
फाइब्रिलिन इसमें एबसेंट रहते हैं, फूड क्या लेमिनेरियन स्टार्च है और जो मोर्टल स्टेज है क्या प्रेजेंट है। बात करते हैं ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी क्या चीफ फ्रेश वाटर है, मतलब मेनली जो इसके मेम्बर्स पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर होता है, स्टेगड इन ग्रुप, मतलब क्लोरोप्लास्ट उसमें स्टेगड पाए जाती है, मतलब उसमें क्या जो क्लियरली मेम्ब्रेन्स होती हैं। क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट, प्लेंथिन एबसेंट, फाइब्रिलिन एबसेंट, जल फूड क्या है स्टार्च है और मोबाइल स्टेज प्रेजेंट, जो मोबाइल स्टेज वो क्या तीनों में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं जो एल्गी है या फिर थैलोफाइटा है उसके क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, ए नंबर ऑफ ब्राउन लेमिनेरिया सार्गासम फूड इन सम कंट्रीज, जो लेमिनेरिया और सार्गासम जो एल्गी होती है ब्राउन एल्गी यूज किया जाता है फूड के लिए कुछ कंट्रियों में। फ्यूकस लेमिनेरिया आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, जो फ्यूकस और जो लेमिनेरिया है वो किसके रिच सोर्स है, आयोडीन के। लेमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, जो लेमिनेरिया जो एस्कोफाइलम जो एल्गी है उनमें क्या एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। एल्जिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूकस एंड सार्गासम विच इज यूज्ड एज इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो एल्जिन और एल्जिनिक एसिड है उसका यूज किस किया जाता है इमल्शंस में, ठीक है, और वो किस्म को प्राप्त होता है फ्यूकस और सार्गासम से। तो ये थैलोफाइटा के बारे में हो गया। जो अपन जो नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रायोफाइटा। अभी तक अपन ने थैलोफाइटा के बारे में देख लिया था, उसमें तीन भाग तीन पार्टमेंट क्लासीफाई किया गया था तीनों के, ग्रीन ब्राउन और रेड एल्गी के बारे में। तो अपन ब्रायोफाइटा को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा के अपन देख रहे थे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमेटिव लैंड प्लांट, ठीक है। दीज आर द फर्स्ट प्रिमेटिव प्लांट्स ऑफ द विच इज शो देयर एग्जिस्टेंस ऑन द लैंड प्लांट, ठीक है। नेम ब्रायोफाइट, जो ब्रायोफाइट है उसका अपन देखते हैं कैसे क्या होता है। ब्रन में मतलब होता है मॉस, फिटन का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मॉस प्लांट होते हैं। फाइलम ब्रायोफाइट इंक्लूड ब्रायोफाइटा के जो जनरल मतलब जीनस होते हैं वो 96, ठीक है, और जो स्पीसीज है वो कितनी है 24,000। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा, मेजर पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल और भी स्टार्च जो फूड प्रोडक्ट होता है, सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, बेसिक क्यूटिकल पाए जाते हैं, ले के ट्रू वैस्कुलर सिस्टम, जो ट्रू वैस्कुलर सिस्टम होता है जिससे हम उनका क्या नहीं पाए जाते, ले ट्रू हैव राइजोड, ठीक है, ट्रू रूट्स नहीं पाए जाते, लेकिन उसके लिए अल्टरनेट पाया जाता है क्या राइजो, जो कि कैसे होते हैं रूट की तरह ही दिखते हैं। ब्रायोफाइटा आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, जो ब्रायोफाइट होते हैं वो क्या अपन बोल सकते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो वो क्यों बोलते हैं। एम्फीबियंस इन द एनिमल किंगडम लिव्स इन वाटर एज वेल एज इन लैंड, ठीक है। एम्फीबियंस अपन एनिमल किंगडम में किसको बोलते हैं, जो कि वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और क्या लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट बाय लिवरवर्ट्स हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस ग्रो वेल इन द एरियाज बिटवीन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ठीक है। मतलब जो ब्रायोफाइट है वो भी एनिमल्स की तरह वाटर में भी हैबिटेट होता है उनका और टेरेस्ट्रियल में भी हैबिटेट में भी रह सकते हैं। ब्रायोफाइट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, मतलब उनके जो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो किस पर डिपेंड रहते हैं, वाटर पर डिपेंड रहते हैं। का जो क्लासिफिकेशन है वो हिकॉप्सिडा, ड्रॉप्सिडा और बैप्सिडा, को बोलते हैं हर्मर्ड्स बोलते हैं। बात करते हैं लिवरवर्ट्स की, लिवरवर्ट्स में जो करेंगे मतलब इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, एक लेग्स रूट स्टेम अपन क्या बोलेंगे थैलस बोलते हैं। लिवर्ट्स गेट देयर नेम फ्रॉम लिवर शेप थैलस, जो इनका जो थैलस होता है जैसे कि डायग्राम दिया है वो कैसे होता है लिवर शेप होता है, इसलिए इनको अपन क्या बोलेंगे लिवरवर्ट्स बोलेंगे। गैमी, गैमी क्या होता है, इनका गैमेटोफाइट होता है। रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ लिवरवर्ट्स, ये क्या होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर होती है किसकी, गैमेट वो लिवरवर्ट्स की। स्मॉल ऑफ टिश्यू की जो है स्मॉल रूप में पाया जाता है। और इन्हें सोसर शेप, जो इसको स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, सोसर या फिर सॉस शेप। गेमा एग्जाम और मोसेज, लोकेशन मोसेज कहाँ पे पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं, रिबार्क में पाए जाते हैं, सोयलिन के लिए हेल्प करती है। कॉलोनोसाइट्स कॉलोनी के रूप में पाए जा सकते हैं। रेशन जो मोस का जो मेन फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, प्रेवेंट सोयल इरेशन, मृदा अपरदन को क्या रोकते हैं, ठीक है। ग्रुप टुगेदर इन द डेंस कॉलोनी, ये क्या कॉलोनी के रूप फॉर्म में क्या है, एक साथ ग्रो करते हैं। हॉर्नवर्ड्स, ठीक है, गेन डोमिनेंट लाइवर्ड्स आर्गोनिया
जो आर्गेनी और जो एंथेलिया वो प्लांट के अंदर बनती है। जायगोट इनटू द लॉन्ग स्पोरोफाइट, जो जायगोट वो इसका डेवलपमेंट क्या होता है होनसेप स्पोरोफाइट पर हम और देखते हैं। और क्या है स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट टिपिकली प्रोड्यूस होन लाइक और बीच डेवलप फ्रॉम में ग्रीन सीड 100 स्पीसीज आइडेंटिफाई 100 स्पीसीज पाई गई है। द गैमेटोफाइट इज मच लाइक ए थैलस लिवरवर्ट इज द होन ऑफ द हॉर्नबर्ट। तो हॉर्नबर्ट का जो स्पोरोफाइट है वो किस शेप में होता है, उसका शेप है वो कैसे होता है, होन लाइक होता है। सो थैंक यू आज के लिए।